ये देखिए सारे लोग देखो खरीदारी भी करते हैं, पानी पूरी का मजा लेते हुए लोग। ये देखिए ये हमारी पहाड़ी संस्कृति है। ये देखिए ये जो ताऊ जी पता नहीं कहाँ से आए, बहुत दूर से आए हैं, ये हमारे छोटे मामा लोग आए हैं। ये देखिए थोड़ा सा मामा है, ये देखो मामा मेला मैं जो है माला बेच रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे मामू लोग, ये हमारे मामू लोग मेले का आनंद लेते हुए। ये देखो जितने भी लोग बैठे सारे हमारे माता और भाई ने, मामी मामा चाची चाचा ताऊ ताई सब कुछ है। ये देखिए आप बहुत ज्यादा भीड़ है, लगभग 10,000 की भीड़। ये देखिए आप जहाँ तक भी देखो कहाँ तक जा पाएंगे हम, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारे ताई जी है। ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत आराम से, थक गए लोग चढ़ाई में। Hey guys, good morning, welcome to my another vlog. Guys, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि कुछ सामाजिक रस्मों रिवाज बंधन के कारण मैं लगभग एक महीने के पश्चात जो है आप लोग के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। ये ज्यादगी है कि इतने दिनों बाद मैं जो वीडियो डाल पा रहा हूँ, जैसा कि आप मेरे सिर से देख रहे हो बाल कटे हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो इसी वजह से सामाजिक रस्म रिवाज बंधन परंपरा अपने कल्चर के हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाल पा रहा हूँ, ब्लॉग डाल पा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब मुझे क्षमा करेंगे। तो गाइस ये जो वीडियो है ये हमारी पहाड़ी कल्चर के अनुसार, ये हमारे यहाँ एक मेला लगता है मलयाल देवता का, जिसमें कि मलयाल देवता की डोली आती है और उनका नृत्य किया जाता है। तो देखिए हमारे रस्म रिवाज को और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और हाँ चलते चलते मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब आपको कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और जो इतनी देरी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप जरूर मुझे क्षमा करेंगे। और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमें माफ़ करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और चलते चलते ये भी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप देखिए वीडियो और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू। ये देखिए गाइस आप, ये हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है, लोग कितने आस्था के साथ मलयाल देवता की चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। यहाँ से लगे काफ़ी चढ़ाई है, ये देखो सारे श्रद्धालुगण भक्तगण जो है बिल्कुल बहुत ही श्रद्धा से भरपूर इन लोगों का। और जैसे कि आप आगे सुनोगे कि मलयाल देवता की क्या गाथा है, मेला थोला की क्या विशेषता है, क्यों इसको लगाया जाता। आज के दिन हमारे उत्तराखंड या हिंदुस्तान में तीन ही ऐसे त्यौहार हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, एक मकर संक्रांति, एक बैसाखी और एक हमारे जो मलयाल देवता का मेला थोला है, ये बिल्कुल फिक्स है 5 गत्ते यानी 17 तारीख को। और ये देखिए आप लगातार भीड़, जैसे कि देख रहे हैं नीचे गाड़ियों लगभग 1,500 गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हैं, बहुत मुश्किल से पहुंच पाया मैं भी, ये देखो। और लगभग हजारों की संख्या में ऊपर पहुंच चुके हैं लोग, पक्का पक्का। ये देखिए ये हमारे मामी लोग हैं ये सारे, और ये देखो बच्चे ठीक ठीक 18 तारीख को कहाँ होता हूँ, ठीक ठीक ठीक। ये देखो छोटे बच्चे, ये देखो हमारे बहन लोग भाई लोग, ये देखो सारे लोग चल रहे हैं। ये देखिए आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी भीड़ है, ये देखो ऊपर वो भी। ये देखो नौजवान भाई लोग कितने उमंग के साथ और श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। ये देखो मेरे पीछे भी बहुत भीड़ है पीछे तक, देखो भाई लोग भी चल रहे हैं, ये कुछ श्रद्धालु लोग आ चुके हैं। ये पूरी भीड़ बहुत लगभग है,
हजारों की संख्या में देख सकते हैं आप। ये देखिए मलयाल मेला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेला कमेटी मलयाल थोक, ये देखिए बहुत लंबी भीड़। ये देखो बच्चे बहुत एंजॉय करते हुए। बहुत गर्मी हो चुकी है, लोग भी आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल एकदम। ये देखिए मियाँ जी भी जो है नजमा वहाँ से पधार चुके हैं। मामू मामू मामू, ये हमारे मित्र लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए अच्छा जय मलयाल देता है। ठीक हो, कब पहुँचे? आगे और आगे आता और भी आए है। चलो ठीक हो, वहाँ फिर देखते। ये देखिए आप पूरा सामान, ये देखिए हमारे पहाड़ों में पानी पूरी पहुंच चुका है। मेले में बच्चे आनंद लेते हुए, ये देखिए आप पूरा भाई लोग सारे बैठे हुए हैं। ये देखिए मेले का मजा लग रहा है, पूरा ऊपर तक भीड़ है। ये देखिए आप भीड़ का कोई आदि अंतर। ये देखिए आप, और ये है मलयाल देवता का मंदिर। मेरी आवाज़ वैसे क्लियर तो नहीं आ रही हो क्योंकि बहुत साउंड है, नॉइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर सांप आ रहे होंगे तो गूगल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए माता बहने चूड़ी धमेली ये खरीदते हुए, जड़ी बूटियों का संग्रह। ये देखिए ये जो भी यहाँ के ठौकार लोग हैं, मेला कमेटी वाले हैं। और ये देखिए पूरी माताएं बहनें, ये पूरे ये लोग, ये देखिए, ये देखिए आप, ये ठौकार लोग हैं, मेला कमेटी वाले हैं, ये मंदिर शाम ग्रह। ये देखिए मलयाल देवता का मंदिर, जो यहाँ के नियम है उसके अनुसार अंदर तो हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन बाहर जरूर दिखाएंगे आपको। ये देखिए लोग भेंट लगाते हुए, ये देखिए आप काफ़ी भीड़। अभी लोग जो मंदिर में भेंट वगैरह चढ़ा रहे हैं, और ये देखिए आप, ये देखिए ये कमेटी वाले हैं, मेला कमेटी वाले, ये माताएं बहनें सारे जो है कौतिक शुरू होने का इंतजार करते हैं। और ये देखिए सब लोग जो हैं पूरे मेला कमेटी के लोग हैं। अरे माताएं बहनें पूरे अब जो है जो मलयाल देवता आते हैं उनका इंतजार करते हुए। ये देखिए अब भाई लोग सारे हाय, बिल्कुल अभिवादन किया हमने। ये देखो हमारे पुराने लोग बुजुर्ग लोग, जितने भी माताएं बहनें छोटी बहनें मामी मामा सारे लोग, थैंक यू सर। और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जोश नवयुवकों में, ये आया मलयाल देवता, देखते हैं। ये देखिए आप मलयाल देवा की झांकी आ चुकी है। ये देखिए आप जो कि अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप मलयाल देवता का बहुत ही जबरदस्त जुनून जज्बा जोश मस्त। ये देखिए आप, ये बहुत ही ज्यादा क्राउड है। ये देखिए आप, ये आए मलयाल देवता की मूर्ति झांकी, ये उनकी निशान भोंकर वाद्य यंत्रों के साथ। ये देखिए आप, ये देखिए आप बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए आप मलयाल देवता की जो है डोली, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो। Thank you.
जबरदस्त पूरे जोश खरोच के साथ हमारे जितने युवा हैं, मलयाल देवता के ऊपर फूलों की बरसात, अक्षत चंदन की बरसात, ये देखिए आप, ये आप जैसे भी देख पा रहे हैं। प्रांगण में पहुंचते हुए ये देखिए आप, मेरे पीछे भी उतने, आगे भी उतने, हमारी न्यू जनरेशन बहुत ही उत्साह उमंग और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड लाइन को मिल चुकी है। ये देखिए आप, ये बहुत ही ज्यादा ये देखिए आप, ये यहाँ से गेट बंद कर दिया ताकि ज्यादा भीड़ अंदर ना हो और व्यवस्था ना फैले। ये देखिए मंगल दल वाले, महिला मंगल दल और जो मेला कमेटी वाले सारे जो है यहाँ से गेट को जो है बंद किए हुए। ये पीछे लोग वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा बाहर से आम जनता को, अब ये व्यवस्था कमेटी की होनी चाहिए थी। ठीक है जैसे कि भाई साहब ने बताया दूसरे गेट से बाहर आएगा। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे हमारे हाँ, ये देखिए भाई लोग हैं हमारे सारे और ये छोटे बच्चे, ये देखिए आप यहाँ से निकले हैं बाहर। ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सरदार जी भी देखिए मेले में पहुंच चुके हैं और जितने भी मुसलमान भाई वो भी पहुंच चुके हैं। ये हमारी संस्कृति का एक बेहतरीन नमूना प्रदर्शन, ये देखिए आप, ये आपको ओरिजिनल वाद्य यंत्र सुनाई देंगे। ये देखिए देखो हजारों की संख्या में, देखो ढोल की थाप पे बिल्कुल पांव भी वैसे ही नाचते हुए जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए आप,
के साथ साथ जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत क्राउड है, सुनाई नहीं देगा, वॉइस के लिए तैयार हो, लेकिन मैं गूगल से करूँगा। ये देखिए आप पूरे साजो सामान के साथ में हमारे मित्रगण हैं सारे। ये देखो ये तो पूरा आनंद लेते हुए मेले का। मामी भी नहीं आई? अरे मामी तो लानी थी यार, तुम तो बढ़ते ही जाती हो। ये देखिए जय मलयाल मामों की जय हो। मलयाल देवता कब आएंगे? अभी तो आ रहे हैं, अभी आगे आ जाओगे। नाच गए दो चक्कर यहाँ, नाच अंदर नहीं नाचते? ना ना, यहीं से घूम के बस ऐसे चलते। चक्कर नाचेंगे? सात चक्कर नाचेंगे। कितने चक्कर? सात चक्कर। चक्कर इसके बारे में जानते हो आप कुछ? जानते हैं। तो ठीक है, आप जो है बाद में हमें थोड़ा विस्तार से बताना, ठीक है? ये देखिए सारे लोग देखो खरीदारी भी करते हैं, पानी पूरी का मजा लेते हुए लोग। ये देखिए ये हमारी पहाड़ी संस्कृति है। ये जो ताऊ जी पता नहीं कहाँ से आए, बहुत दूर से आए हैं। ये हमारे छोटे मामू लोग आए हैं। ये देखिए थोड़ा सा मामू है, ये देखो मामू मेला मैं जो है माला बेच रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे मामू लोग, ये हमारे मामू लोग मेले का आनंद लेते हुए। ये देखो जितने भी लोग बैठे सारे हमारे माता है भाई ने, मामी मामा चाची चाचा ताऊ ताई सब कुछ है। ये देखिए आप बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगभग 10,000 की भीड़। ये देखिए आप जहाँ तक भी देखो कहाँ तक जा पाएंगे हम, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारे ताई जी हैं। ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत आराम से, थक गए लोग चढ़ाई में। सामने हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, बर्फ़ से लगी हुई है। आजकल आज जंगलों में आ गए, इसमें धुंध से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और पिंडी घाटी का क्षेत्र दूर दराज के गाँव, ये देखिए आप बुग्याल पड़ता है, वहाँ भी आग लगी हुई है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पारथा भजवा थराली, ये पूरे क्षेत्र हैं हमारे, और पूरे क्षेत्र के लोग
यहाँ पे इकट्ठा होके जो हमारा ये पारंपरिक मेला है इसका आनंद लेते हुए, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एक बिल्कुल ऐसा अपना साइलेंट बनाएंगे ना, सही है तब जा मामू मामू आपकी ब्लॉगिंग चल रही है, थोड़ा बना लेते हैं। ये देखो बहुत ही जोश और जुनून, ये देखिए आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, लगभग अब हमारा जो ये पारंपरिक मेला है कौथिक है, ये लास्ट पड़ाव पे। बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो न्यू जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को भी छोड़ते हुए अपने कल्चर को जो अपनाते हुए बहुत जोश और जुनून इनके अंदर, जो कि हमारे लिए हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए आप जैसे आगे देख रहे हैं ऐसे पीछे भी मेरे साइड पीछे भी पूरी भीड़ ही भीड़ है। ये देखिए आप ये पूरे पीछे ऊपर तक जहाँ तक भी देखो वहाँ तक नजर पड़ी है, वहाँ पर लोग जो है बिल्कुल भरे पड़े हैं। और ये देखिए आप छोटे मामा लोग आइसक्रीम का मजा लेते हुए